गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वी आर डूइंग चैप्टर 6 इंट्रोडक्शन टू एलजेब्रा। टुडे वी विल कंप्लीट योर वर्कशीट 7। फर्स्ट क्वेश्चन इज, इफ ए इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग एलजेब्रिक एक्सप्रेशन। फर्स्ट है इसमें 3a प्लस 2a, ए और बी की वैल्यू गिवन है, आपको इसमें पुट करना है। तो 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3, 3 टू जा 6, 2 3 जा 6, 6 प्लस 6 12 इज द आंसर। यस, द क्वेश्चन इज 3a प्लस 2b। यस, ए इज इक्वल टू 2 एंड बी इज इक्वल टू 3, 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3, you solve this, you get the answer. Similarly, B part you can do it. 2A, 2A minus B. Similarly, you can do the B part. 2A ki value given hai, 2 into 2 and B is 3. 4 minus 3, that is 1 is the answer. After that, question number second is, if x is equal to minus 1, y is equal to 2 and z is equal to minus 3, find the value of a part x plus y plus z. Simple, आपको value निकालनी है, so put this value into given equation. x आपका minus 1 है, plus y कितना है 2 और z कितना है माइनस 3, माइनस 1 प्लस 2 प्लस माइनस माइनस, तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस 4 प्लस 2, माइनस 2 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज, इफ p इज इक्वल टू माइनस 3, q इज इक्वल टू 0 और r आपका कितना है 2, then find the value of p plus q plus r plus 1. कुछ नहीं करना है, you have to put the value in this equation. p minus 3, q 0, r 2 plus 1, minus 3 और ये plus और plus है, 3 हो जाएगा equal to 0. Similarly, you can do it second part. उसमें भी आपको दिया है 2pq प्लस 3 क्यू आर माइनस 4 पी आर, ठीक है, ये साइन किसका होता है, इनटू का, मल्टीप्लिकेशन का। तो आप लिखेंगे 2 इनटू पी, आपके पास कितना है माइनस 3 क्यू 0, 3 क्यू अगेन 0 और आर कितना है 2, माइनस 4 इनटू पी है माइनस 3 और आर कितना है 2। तो देखो 0 को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है 0। अब माइनस माइनस प्लस 4 3 जा 12 और 12 2 जा 24। आंसर ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 3। लेट्स ट्राई क्वेश्चन नंबर 4। इफ z इज इक्वल टू माइनस 9, देन फाइंड वैल्यू ऑफ टू अपॉन थ्री जेड प्लस 6। जेड आपको दिया हुआ है, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो आप राइट डाउन द इक्वेशन, टू अपॉन थ्री जेड प्लस 6, पुट वैल्यू ऑफ जेड विच इज माइनस 9। तो आप लिखेंगे 2 बाय 3 जेड की जगह माइनस 9 प्लस 6, ये देखो कट जाएगा 3, 2 3 जा 6, माइनस 6 प्लस 6 इक्वल टू 0, सो दिस इज द आंसर। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 5 इज, इफ a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 2 एंड c इज इक्वल टू माइनस 1, शो दैट
7a plus b plus c is equal to 2abc. तो यहां पर आपके पास है राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड. पुट द वैल्यू है 7 into 1 प्लस बी आपका -2 है और सी कितना है -1. राइट हैंड साइड 2 into 1 बी आपका कितना है -2 और सी आपके पास है -1. तो ये आ जाएगा 7 plus minus -2 plus minus -1. 2 into -minus plus हो जाएगा 2 into 2 4. तो ये आ जाएगा आपके पास 4 राइट हैंड साइड और 7 minus 3 4 is equal to 4. सो दिस इज वेरीफाइड. यस, टिक द करेक्ट आंसर्स. मल्टीपल चॉइस है, इसको हम डिस्कस कर रहे हैं. फर्स्ट है, मिसेज शालिनी इज पी ईयर्स ऑफ एज नाउ. 3 years ago हर एज इन अ ईयर वार. तो शालिनी की एज कितनी है पी. 3 years ago, 3 साल पहले कितनी होगी, दैट इज योर पी माइनस 3. द पेरीमीटर ऑफ स्क्वेयर इज क्यू मीटर, देन लेंथ ऑफ ईच साइड इन मीटर. पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 4 into side. पेरीमीटर यहां पर आपको क्या दिया है क्यू, तो साइड कितनी आ जाएगी क्यू अपॉन 4. आंसर बी. एक्सप्रेशन ऑब्टेन व्हेन के इज मल्टीप्लाई बाय 2 एंड देन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 5. 5 में से सब्ट्रैक्ट करना है 2 व्हिच इज मल्टीप्लाई बाय के. सो थर्ड इज द राइट आंसर. नंबर ऑफ नोटबुक बॉट रूपीज टी एट द रेट ऑफ रूपीज 40 पर नोटबुक इज, आपको बताना है. तो 40 नोटबुक्स परचेज एट इक्वल टू रूपीज टी, और 1 के लिए कितना आ जाएगा टी अपॉन 40. ओके, आफ्टर दैट एक्स वाई जेड वैल्यूज गिवन है. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन दिस, तो यहां पर आपको वैल्यूज पुट करनी है. एक्स यहां पर आपका 6 है और वाई कितना है 2. एक्स यहां पर कितना है 6 और जेड कितना है 3 अपॉन जेड स्क्वेयर मीन्स 3 का स्क्वेयर विच इज 9. तो आप लिखोगे 12 minus 18 upon 9. -6 upon 9 कट करोंगे -2 upon 3. 3 2 6, 3 3 9. सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. तो बेटा ये आपका डीएवी के 30% डिडक्शन की वजह से हर एक चैप्टर का ब्रेन टीजर हम लेफ्ट आउट करेंगे. कंसेप्ट सारे क्लियर करेंगे लेकिन ब्रेन टीजर हम इनके हर एक चैप्टर के छोड़ेंगे. ये मल्टीपल चॉइस आपको करना है, ठीक है, हर एक चैप्टर का. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.